आज का टॉपिक है इनवर्टिब्रेट लार्वल स्टेजेस। चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। इनवर्टिब्रेट लार्वल स्टेजेस को पार्ट वन में हमने स्टार्ट किया है कि निडेरिया से लेकर के वो पोरिफेरा से लेकर के कुछ क्रस्टेशियंस का लार्वा लिया है और ट्रोकोफोर लार्वा लिया है, और इस तरह के लार्वल स्टेजेस को मैंने लिया है। चूंकि टॉपिक लंबा हो जाता इसीलिए इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया है। तो पहला है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इट इज अ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ साइकन एंड सम कैलकेरियस, मैनी ऑफ द कैलकेरियस स्पंजेस। एम्फीब्लास्टुला लार्वा ऑफ द ये मेनली फाउंड इन साइकन, और इसके बाद मैनी कैलकेरियस स्पंजेस में भी ये लार्वा पाया जाता है। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा है। इट इज ओवल इन शेप एंड मेड अप ऑफ एन एंटीरियर हाफ ऑफ स्मॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड माइक्रोमियर। मेजर मतलब एंटीरियर हाफ में स्मॉल फ्लैजिलेटेड सेल्स होता है जिसको हम माइक्रोमियर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड पोस्टीरियर हाफ में नॉन फ्लैजिलेटेड लार्ज सेल्स होता है जिसको हम मैक्रोमियर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमियर। यानी एम्फीब्लास्टुला लार्वा में पूरे ब्लास्ट लार्वा को दो पार्ट में बांट दिया। एंटीरियर हाफ में फ्लैजिलेटेड सेल होता है और स्मॉलर सेल होता है, और पोस्टेरियर हाफ में नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होता है और लार्ज सेल होता है, इसलिए इसको मैक्रोमियर कहते हैं। तो द लार्वा कम्स आउट ऑफ द स्पंज थ्रू ऑस्कुलम, यानी लार्वल स्टेज के बाद जब ये लार्वल स्टेज होगा तो ये ऑस्कुलम के जरिया पॉरीफेरा में बाहर आएगा। ऑस्कुलम के जरिया क्या होगा, ये बाहर आएगा। इट स्विम्स इन द वॉटर फॉर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मैक्रोमियर्स विल ओवरग्रो द मैक्रोफियर्स एंड गैस्टुलेशन टेक्स प्लेस। यानी माइक्रो मैक्रोमियर जो है ये माइक्रोमियर के ऊपर ग्रो कर जाता है जिसकी वजह से गैस्टुलेशन होता है। हिंस फ्लैजिलेटेड सेल्स बिकम इंटरनल एंड अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम। मतलब ये माइक्रोमियर में फ्लैजिला होता है, माइक्रोमियर में फ्लैजिला नहीं होता है तो वो नीचे की तरफ अंदर हो जाता है और वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। ये डायग्राम है, ये फ्लैजिलेटेड सेल है, ये फ्लैजिलेटेड सेल है, ये सब फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है और साइज में स्मॉलर भी है। ये एंटीरियर हाफ है और ये पोस्टेरियर हाफ है। इसमें सेल का साइज जो है लार्जर होता है लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं है। ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा है और इसी लार्वा का ये सेकेंड पार्ट है, दूसरा फिगर है। ये बीच में ये कैविटी डेवलप हुआ जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ये आपका फ्लैजिलेटेड सेल जो है एंटीरियर हाफ में है, ये जो है ये माइक्रोमियर हो गया, और ये जो लार्ज सेल है ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये आपका मैक्रोमियर हो गया। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिंगल है। द नेक्स्ट लार्वल स्टेज इज पैरेन्काइमा लार्वा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेन्काइमुला लार्वा। पैरेन्काइमा लार्वा इज सीन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोसोलेनिया ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ल्यूकोसोलेनिया वॉज डिस्कवर्ड बाई डिस्क्राइब बाई मेचनिकॉफ इन 1879 एंड मिनचिन इन 1896। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाइगोट अंडरगोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड डेवलप्स इन टू सीलोब्लास्टुला। होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट फरो डेवलप्स, मतलब क्लीवेज इज डिवाइडेड इन टू
completely. Zygote is divided into divided completely. Such type of cleavage is called holoblastic cleavage. And such type of then cleavage after this is changes into a blastula stage called coeloblastula, jaisa ki abhi humne coelom dikhaya. It shows a hollow cavity covered by a single layer of cells. Many amoeboid cells enter the central cavity and it becomes parenchymula larva or stereogastula larva or stereogastula larva. Parenchymula larva or stereogastula larva. Yani parenchyma larva hi parenchymula larva mein change hota hai. This larva shows an outer layer of flagellated cells and a mass of internal amoeboid cells. At the posterior end, flagellate cells are present called archaeocytes. Posterior end, flagellated cells are present called archaeocytes. ये जो है, ये देखिए ये flagellated cells हैं, इसको हम archaeocytes कहते हैं. At the posterior end, posterior end, non-flagellated cells, ये जो non-flagellated cells है, ये flagellated cells है, ये non-flagellated cells है, इसी को हम archaeocytes कहते हैं. The next is planula larva of cnidaria, यानी cnidaria का planula larva है. So the zygote divides regularly and a blastula is formed. यानी zygote का जो division होगा, stabilized by invagination of the blastula, an oval two-layered ciliated planula larva. Oval two-layered ciliated planula larva is formed. Blastopore of which is not closed. Yani blastopore is closed nahi hota hai. After a brief period of free life, the larva settles down by the end opposite to the blastopore. Yani ब्लास्टोपोर ऊपर की तरफ रहता है और ये नीचे की तरफ उल्टे अपोजिट साइड से वो जो लूजेज इट्स सिलिया एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू हाइड्रा ट्यूब इनटू ए हाइड्रा ट्यूब. ए डेफिनेट माउथ इज फॉर्म्ड एट द डिस्टल एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माउथ. Two tentacles are formed by outpushing. Soon two others appear at right angles to the first pair, then four, and subsequently eight more tentacles appear. The larva is now provided with the 16 tentacles. ये characteristic feature है इसका इसका जो है के अब जो है larva ये पहले दो tentacles होता है, उसके बाद तुरंत उसके right angle पर दो develop होता है, फिर पेयर देन फिर फोर हो जाता है, फिर एट हो जाता है, देन फोर यहाँ पर जो है आपका फोर है और पहले जो है टू है, दो टेंटिकल ये टू दो टेंटिकल बना, उसके बाद दो के राइट एंगल पर दो बना चार हो गया, फिर चार का पर आठ हो गया, इस तरह से एट मोर टेंटिकल आठ बना, फिर जो है 16. यानी अब जो लार्वल स्टेज है उसमें 16 टेंटिकल्स arranged in a circlet है. ये एक important characteristic feature है, इससे आप पहचान सकते हैं. By this time the proximal end narrow down to a stalk-like structure, the stolon. यानी अब इस 16 stage में proximal end जो है वो narrow हो करके एक stolon type का structure बनाता है, stalk-like, and the distal end जो है ये expanded होता है. Interradial in position, the endoderm of the gastric cavity is folded into four longitudinal ridges. Into four longitudinal ridges, the gastric ridges or tenioles. उसी को हम gastric ridges or tenioles कहते हैं. The mouth assumes a square shape and its sides are elevated to form a short manubrium. यानी ये manubrium बना और ये square shape mouth बना और उसके चारों तरफ जो है वो एक elevated area बन जाता है, जैसे छाता में होता है, उसी को manubrium कहते हैं. The ectoderm of the region between the mouth and the circlet of tentacles becomes invaginated in four interradii
to form four septal funnels or infundibula which sink in the four gastric ridges. Yani ab ye mouth aur uske beech mein jo ridge hai wahan par char banta hai. The hydra tuba feeds and produces new hydra tuba by budding from its stolon throughout the summer. The birds may separate from the mother hydra tuba budding stages at the end of summer. ये है ये प्लेनुला लार्वा का ये है डायग्राम है. ये है आपका एग एंड ये स्पर्म फ्यूज होने के बाद ये जायगोट बनाया. जायगोट के बाद ये ब्लास्टुला हुआ यानी जायगोट जब क्लीवेज में गया था ये ब्लास्टुला बनाया. अब ये टू लेयर्ड प्लेनुला लार्वा बनाया. ये टू लेयर जो है फिर दो फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा बनाया जिसमें कि आपका आउटर जो है ये सिलिएटेड है फ्लैजिलेटेड है और इनर जो है नॉन सिलिएटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड है. फिर जो है आपका प्रॉक्सिमल एंड जो है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है और ये एक्सपेंडेड एरिया बन गया है. नेक्स्ट डायग्राम ये है और ये थर्ड डायग्राम है. इस तरह से आप प्लेनुला लार्वा को देख सकते हैं. प्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिड्स मैरीन प्लांक्टोनिक एंड मोस्ट आर लेसिथोट्रॉफिक लार्वा. लेसिथोट्रॉफिक लार्वा ऐसे लार्वा को कहते हैं विच फीड्स ऑन द यॉक एग यॉक और व्हाट एवर द मटेरियल्स डिपॉजिटेड इन द एग बाय द मदर. यानी द लार्वा विच फीड्स ऑन द एग यॉक और व्हाट एवर द मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड इन साइड द एग ऑफ लार्वा. द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी is broader than the posterior end. It shows bilateral symmetry. Mouth elementary canal and anus present. The mouth is situated near the mid-ventral line of the body. Mouth leads into the sac-like stomach and proceeds as a narrow elementary canal. The walls of the elementary canal are lined by cilia, two or in some cases three ciliary bands encircling the body. Locomotion and feeding are present. Used for locomotion. Used for locomotion and feeding are present. यानी ये तो ciliary band होता है जैसा कि अभी नीचे diagram में हम दिखाएंगे. Prototroch, a ciliary band arising from the special cell trochoblast. Special cell trochoblast. Encircling the body around the middle and lies above the mouth. Metatroch, another ciliary band present transverse ring behind the mouth. वो above the mouth है. Metatroch behind the mouth है. दूसरा है telotroch, a second circulate of cilia around the pygidium or anus. Pygidium या anus दोनों same चीज है. या एक तीसरा होता है जो pygidium के पास होता है. चौथा neurotroch. A longitudinal band along the mid-ventral part of the body is also present in some cases. Metamerism is absent. The rudiment of future adult trunk is seen as a small region at the posterior pole. There is no coelom at this stage, but only a spacious blastocoel encloses the gut. Within blastocoel, a pair of protonephridia, certain amount of mesenchyme and larval muscles is present. The nephridia are made up of two hollow cells. Each contains a flame of cilia. One nephridium lies on each side of the gut. Yani the gut ke dono side mein ek ek nephridium hota hai. The upper pole possesses an ectodermal thickened area called apical sensory plate. Called apical sensory plate. Which contain cells that are the primordia of the cerebral ganglia. Cerebral ganglia. At the apical end, a number of long cilia emerges from the apical plate called apical tuft of cilia. Many trochophores bear sense organs such as ocelli. The fully developed trochophore larva may be divided into three regions. The pre-trochal region. The posterior region larva is called pygidium, which includes telotroch and anal area. The middle region is called growth zone, which includes ये आपको diagram है. ये देखिए prototroch है ये और ये दूसरा circle जो है cilia का है. ये metatroch है.
ये तीसरा सर्किल जो यहाँ पर है ये टेलोट्रॉक है, और ये एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया है, और ये टेलोट्रॉक है, ये एनस है जो एनस के चारों तरफ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है और ये एक्सटर्नल फीचर को दिखा रहा है। माइसिस और सीजोपोड लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्रस्टेशिया में बहुत सारे लार्वा स्टेज होता है, 8-9 स्टेज होता है, पूरा लेना मुमकिन नहीं था इस वीडियो में, इसलिए कुछ ही को मैंने लिया है। माइसिस और सीजोपोड लार्वा रिजेंबल्स एन एडल्ट माइसिस, हेड एंड थोरैक्स हैव ए कारापेस, ऑल सिफेलिक, All cephalic and thoracic appendages are present. All cephalic and thoracic appendages are present. All thoracic appendages are biramous with exopodites. Abdomen, ये सब characteristic feature है जिससे आप पहचान सकते हैं. Abdomen has 5 pairs of pleopods and the 6th form uropods. यानी 5 plus 1 forms uropods. देखिए ये carapace है आपका, और ये देखिए अगला हिस्सा, ये रोस्ट्रम बनाया है, ये कंपाउंड आई ओसेलाई है, ये एब्डोमेन है आपका, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और ये बायरेमस है थोरेसिक जो है, 1 और 1 2 लाइन, 1 और 1 2 लाइन, ये बायरेमस है, ये माइसिस लार्वा का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ क्रस्टेशियंस इज मेगालोपा लार्वा, हैज ए लार्ज अनसेगमेंटेड सेफलोथोरेक्स, ये पहचानने का तरीका है। ऑल 13 पेयर्स ऑफ एपेंडेजेस आर प्रेजेंट, मतलब एब्डोमेन इज स्ट्रेट एंड इन लाइन विथ सेफेलोथोरेक्स विथ 6 पेयर्स ऑफ वेल फॉर्म प्लीपोड्स, ये पहचानने का तरीका है कि आप कैसे पहचानेंगे। इन क्रैब्स द नॉपलियस इज पास्ड इन द एग, इट हैचेज एज ए जुया विच बाई मोल्टिंग फॉर्म द मेगालोपा स्टेज, इट डेवलप्स फ्रॉम जोया लार्वा थ्रू मेटाजोया स्टेज द थोरेसिक, ये एक इंटरचेंजिंग स्टेज है, मोल्टिंग स्टेज है, इवोल्यूशनरी स्टेज है, कि एक लार्वल स्टेज दूसरे लार्वल स्टेज से निकला है। द थोरेसिक लैक्स द फर्स्ट पेयर इज चिलेट एंड द रेस्ट नॉन चिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट पेयर इज चिलेट एंड द रेस्ट इज नॉन चिलेट। The abdomen bears 6 segments and 5 pairs of plumose, pleopods, pleopods. ये आपका डायग्राम है, देखिए ये रोस्ट्रम है, ये चेलीपेड है, और ये चिलेट है, ये चिलेट है, चिलेट, और ये नॉन चिलेट लेयर है। जुया लार्वा ऑफ क्रस्टेशिया, इट इज द फोर्थ स्टेज लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस, दिस लार्वा डेवलप्स फ्रॉम प्रोटोजोया, the body is divisible into cephalothorax and a long segmented abdomen, the cephalothorax is covered by carapace and bears paired compound eyes and paired appendages, example antennules, antennae, mandibles, maxillae and maxillipedes, and 5 pairs of gills. The carapace is produced into a long and pointed rostrum and a long median dorsal spine with many small bristles. The cephalothorax also bears birds for 6 pairs of thoracic appendages. The abdomen has 6 segments with paired rudiments of abdominal appendages and a pair of caudal forks. It metamorphoses into metazoa. देखिए ये rostrum है pointed, और ये एंटीन्यूल्स है, ये आई है, ये मीडियन डॉर्सल है स्पाइन, ये कारापेस है आपका, और ये एब्डोमेन जो है देखिए सेगमेंटेड है, थोरेसिक अपेंडेजेस ये है, और सेकंड मैक्सिलिपीड्स ये जुया लार्वा को दिखा रहा है। और इस पार्ट में हम इतना ही तक दे रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में सारा पॉइंट लिखना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपको छांटना है, डायग्राम बनाना मस्ट है, इसलिए आप इसको, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। इस ईद सईद के मौके से मैं आपको ये लेक्चर
ईजी के तौर पे दे रहा हूँ, आप लोग इसका प्रिपरेशन करें। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।